उसको पूछा कितनी मीठी है, वो बोलता बहुत मीठी है। बहुत कितनी है? जब खुद मुंह में डालता तब पता चलता इतनी मीठी है। ऐसे आनंद है। आनंद कितना है वो अनुभव की बात है, वो लोग हम लोग अनुभव करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, छोटा परिवार नहीं बड़ा परिवार करो, छोटा परिवार करो छोटा मत, लेकिन वो परिवार करते समय एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा दे दो समाज के लिए, दे दो हमारे देश के लिए, बड़ा परिवार होगा। और जितना परिवार बड़ा होगा उतना आनंद मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा। ये छोटे परिवार में दुख है चार दीवारों के अंदर, क्यों? सब मेरा है ना, ये मेरा वो मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठता कहां, अरे तू जन्म में आया खाली हाथ से, तुझे जाना खाली हाथ से, इधर मेरा क्या है? मैं आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से, मेरा क्या है इधर? ये सोच जब जीवन में आएगी तो जीवन सुखी और समाधानी होगा। इसलिए तो आज बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं एयर कंडीशन में, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में। जीवन में लगे हुए दाग बेचैन करते हैं। दाग मत लगनो, जीवन में दाग मत लगनो। हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये परिवर्तन जो लाना है हमें, भ्रष्टाचार को मिटाना एक काम करना, लेकिन साथ साथ ये देश को खड़ा करने के लिए हमें डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। विकास 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 को हमें गति देना, और उसमें जो पॉपुलेशन लगा है करप्शन का उसको रोकना। ये एक ही सिक्के के दो बाजू है। जब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे तब तक इस देश के लिए भविष्य नहीं। परिवर्तन में इन बातों के लिए सोचना है हमें, परिवर्तन। और डेवलपमेंट में है ग्राम ग्राम परिवर्तन, विलेज डेवलपमेंट, ग्राम परिवर्तन। हम लोग काम कर रहे हैं, कई गांव में हम लोग काम किया, आज भी कर रहे हैं। स्वामी जी ने अभी कई गांव चुनाव सिलेक्शन किए हैं, और कार्यकर्ताओं को भी स्वामी जी कह रहे हैं कि गांव को सिलेक्शन करो। ऐसे गांव बनाना जो गांव की व्यवस्था हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम जो गांव में काम शुरू किया, जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, 80% लोग भूखे हैं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं, उस गांव में किसी बाहर का पैसा नहीं, वही गांव वही लोग वही जमीन। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे उसी गांव से विजिटेबल एक्सपोर्ट हो गया, कुवैत मस्कत दुबई, किसी का पैसा नहीं। नेचर, गांधी जी कहते थे इस देश को हमें बदलना है तो शोषण करके किया विकास ये सही विकास नहीं, दोहन करके विकास ये सही विकास नहीं, शोषण करके दोहन करके किया विकास ये सही नहीं है। भगवान ने हमें जो देन दिए नेचर, उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति परिवार गांव स्वावलंब कैसे हो, और ये हम लोग प्रयोग किया है, सफल है, वो काम हमें करना है। जैसे अभी एक बात रखी थी दलित के बारे में, हमारे गांव में और पड़ोस के गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं, क्यों? दलित है। आज जिन दलितों को 60,000 रुपया बैंक का कर्जा हुआ पूरा नहीं हो रहा, पूरा गांव दलितों के जमीन पर गया श्रमदान करने के लिए 2 साल तक, और जमीन दलितों के जमीन पर फसल उगाई, और दलितों का 60,000 रुपया का बैंक का कर्जा गांव वालों ने पूरा किया। ये काम हमें करना है, परिवर्तन परिवर्तन। जिस गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं था आज उनका कर्जा गांव के लोग चुका रहे। हमारे एक त्योहार आता है बैल का, उसको बोलते हैं पोड़ा। पहले बैल किसका निकालना डोर से,
बोल के पटेल लोगों की मार पिटाई होती थी, मान पान प्रतिष्ठा पटेल लोग, त्योहार किसका, बैलों का, मार पिटाई किसकी, इन बैलों की। आज 16 साल हो गए, 16 साल दलितों का बैल पहले निकलता और बाद में पटेलों के बैल निकलते हैं, 16 साल हो गए। वो काम हमें करना है, परिवर्तन, परिवर्तन इन बातों को करना है। कई काम किए, मैं सबका विवरण नहीं करूंगा। पीछे एक बार मैं कहा था, स्कूल चलाते हम, पास बच्चों को एडमिशन नहीं, जो गुंडागर्दी करता और जो फेल है ऐसे बच्चों को एडमिशन, तीन टाइम जो फेल है उसको प्रायोरिटी, जो तीन टाइम फेल है उसको पहले प्रायोरिटी। और ऐसे बच्चे लेकर भी एसएससी का रिजल्ट है 100% और 12 क्लास का रिजल्ट है 85%। वो काम हमें करना है इस देश के लिए, देश को बनाना ना, तो परिवर्तन। कई बातों के लिए हमें सोचना है, समय के कारण मैं पूरी बातें नहीं रखूंगा। कैसे होगा ये, कैसे होगा? इसलिए आप सब कार्यकर्ता आए हैं, आप सब कार्यकर्ताओं को मेरी विनती है, ये होगा, असंभव नहीं, संभव है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं होगा, सिर्फ शब्दों से काम नहीं होगा, कथनी और करनी दोनों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक प्रभाव नहीं होगा समाज में। सिर्फ कथनी से काम नहीं बनेगा, इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कथनी छोड़कर करने की तरफ बढ़ जाते हैं तो विष का अमृत हो जाता है। कथनी से काम नहीं बनेगा, कथनी और करनी। जब आप समाज को बताते हैं तो सवेरे से शाम तक आपके तरफ लोग देखते हैं, ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, इसके तरफ लोगों का ध्यान है। थोड़ा गुटखा का पूड़ी मुंह में छोड़ते हुए देखा, वेट खत्म, शब्द का वेट खत्म। इतना संभालना पड़ता है कार्यकर्ता को। जब बदलना है ना समाज, परिवर्तन लाना है ना, तो सवेरे से शाम तक लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। चारित्र को संभालो, जितना चारित्र निर्माण करेंगे उतना आपके शब्दों में वेट आएगा, उतना परिवर्तन में साथ मिलेगा। कई गांव में हम लोग ये प्रयोग किए, कई गांव में। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें परिवर्तन जो लाना है तो उसमें रूरल डेवलपमेंट और उसमें लगा है पर्कुलेशन करप्शन का, उसको रोकना। अभी मैं लड़ रहा हूं, 25 साल हो गए करप्शन के अपोजिट में, 25 साल हो गए लड़ रहा हूं ये भ्रष्टाचार के विरोध में, 25 साल से लड़ रहा हूं। अभी 6 मंत्री तो गए, 400 ऑफिसर गए, लेकिन 7 कानून बनाए, 7 कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन पहले महाराष्ट्र में बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्यों? अरे 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया उस दिन प्रजा इस देश की मालिक हो गई, प्रजा इस देश की मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी उनकी हो गई, वो मालिक हो गया तिजोरी का। मेरे पैसे का आप क्या कर रहे हैं, ये पूछने का हर नागरिक का हक है, मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। 10 साल लड़ते रहा, 10 साल आखिर बैठा आजाद मैदान में, करेंगे या मरेंगे। और उस टाइम पर भी 12 दिन का अनशन हो गया और राष्ट्रपति ने राइट टू इंफॉर्मेशन ये कानून पर साइन किया और कानून लागू हो गया, पहले महाराष्ट्र अभी देश में लागू हो गया। क्या हुआ, सूचना का अधिकार से क्या फर्क पड़ गया? अरे आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया ना, गए ना 7 सेक्रेटरी आदमर जेल में, 7 सेक्रेटरी अंदर चले गए, अभी मंत्री की लाइन लगने वाली है, 7 गए अंदर। खेल घोटाला बाहर आ गया ना, राइट इंफॉर्मेशन, खेल घोटाला, 2G स्पेस घोटाला, राइट इंफॉर्मेशन, ये करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए।
और ये घोटाले आने के बाद हम ये सोच रहे थे घोटाले बाद जब तक जेल में नहीं जाएंगे उनको जन्म ठेप की सजा नहीं मिलेगी तब तक इसको ब्रेक नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग ये लोकपाल के आग्रह कर रहे। अरविंद ने आपको सब बताया, मेरी विनती है ये तो करना है लेकिन परिवर्तन में और एक बात करनी है। अरविंद ने बताया 163 दागी लोग अंदर बैठे हैं, कई लोगों को आरोप है ऐसे लोग भी, तो ये जो अंदर गए हैं इसको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट ये करना है, ये सब हमें करना है, ये भाषण नहीं। मैं तो तय किया है कि शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा, ये कानून बनाते तक लड़ते रहूंगा। और अभी तो बाबा हमारे साथ आ गए, अभी हमारी शक्ति बढ़ गई, अभी झुकाएंगे एक एक को, अभी शक्ति आ गई। तो मेरे कहने के मतलब है कि ये राइट टू रिजेक्ट, एक मतदार संघ में 8 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर बोलते ये तो सब गुंडा है, मैं किसको वोटिंग करना, एक भी इसमें अच्छा नहीं। हमारा कहना है 8 उम्मीदवार खड़े हैं, आखिरी चिन्ह डाल दो नापसंदी, आखिरी चिन्ह डाल दो नापसंदी, अभी वोटर देखेगा एक भी पसंद नहीं नापसंदी पर मोहर लगाएगा। और 8 उम्मीदवार से नापसंदी पर वोटिंग ज्यादा गिर गया इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो पैसा कहां तक करते हैं, एक एक इलेक्शन में 10-10 करोड़ रुपया एक इलेक्शन का पानी में गया तो दिमाग जगह पर आ जाएगा। और जो इलेक्शन कैंसल हो जाएगा उन उम्मीदवारों को फिर से खड़ा होने का अनुमति नहीं कानून, तो पक्ष और पार्टी क्या गुंडा को टिकट देगी। समय ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी विनती एक है, भगत सिंह को भूलना नहीं, शहीद भगत सिंह को भूलना नहीं, सुखदेव राजगुरु जैसे ने हमारे लिए बलिदान किया उनको भूलना नहीं। कई लोग गद्दार हो गए, हम गद्दार नहीं होना, बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर, हमारी आजादी के लिए जो कुर्बानी की उनका बहुत बड़ा ऋण है हमारे, मैं तो उनको हृदय का साथ जोड़कर रखा है मेरे हृदय के साथ। और मृत्यु की भी चिंता नहीं है, मरने से कोई भय नहीं, लड़ते रहता हूं, कोई मरने का भय नहीं। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के लिए मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य होगा, वो समाज और देश के लिए ये हमारा सौभाग्य होगा। चारित्र को संभालो, चलते रहो, सच्चाई का मार्ग छोड़ना नहीं, सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता, सच्चाई के मार्ग से चलते रहो, भगवान आपकी रक्षा करते रहेगा, भगवान आपकी रक्षा करता रहेगा, सच्चाई नहीं छोड़ना। सत्य कभी पराजित नहीं हुआ आज तक, सत्य के मार्ग से कठिनाई बहुत आ गई, सत्य के मार्ग से कठिनाई बहुत आ गई, अभी बालकृष्णा जी बोलते ना कितने कठिनाई आती है, सच्चाई के मार्ग से कठिनाई बहुत आती है, दिक्कत बहुत होती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ इतिहास में, सत्य ये सत्य ही रहा, सत्य के मार्ग से चलते रहो, हमेशा सत्य सत्य रहेगा। तो मेरी विनती है, आज कई लोग गद्दार बन गए उनको बनने दो, हम नहीं बनना,